नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्यूटी न्यूज और आपके साथ मेहरुल हसन। ड्यूटी न्यूज में आज हम बात करेंगे टॉप विद टॉपर्स। टॉप विद टॉपर्स में हमारे साथ कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 9th एंट्रेंस में अपनी परफॉर्मेंस कुछ इस तरह दी कि एक मिसाल कायम कर दी। उन्हीं स्टूडेंट में से आज हमारे साथ मौजूद है निशात रहमान। निशात रहमान, सबसे पहले मैं आपको ड्यूटी सोसाइटी की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपने 9th एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया। आपसे मेरा पहला सवाल है कि 9th एंट्रेंस की प्रिपरेशन आपने कहां से की? ड्यूटी सोसाइटी के किस बैच में आप मौजूद थे? आपने रिटन एग्जाम में कितना स्कोर हासिल किया था उसके बारे में? 68, माशाल्लाह। किस सब्जेक्ट में आपने ज्यादा मेहनत करी थी इन 68 मार्क्स को हासिल करने के लिए? ड्यूटी सोसाइटी का टीचिंग मेथड आपके साथ कैसा रहा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ड्यूटी सोसाइटी में रहकर जो है वो आपने वीकली टेस्ट दिए होंगे, टेस्ट सीरीज दिया होगा, स्टडी मटेरियल से स्टडी किया, तो मैं जानना चाहूंगा कि इन सारे जो है पूरे प्रोसेस से जो है आपके 69 मार्क्स के अंदर क्या हेल्प मिली? मैं जानना चाहूंगा कि आपका फ्यूचर प्रोग्राम क्या है, आप आगे जाकर क्या बनना चाहते हो उसके बारे में थोड़ा सा जी। आईएएस ऑफिसर इंशाल्लाह बेटा, अगर इसी तरह से आप मेहनत करते रहोगे तो एक दिन आईएएस ऑफिसर बन जाओगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके पेरेंट्स ने जो है वो ड्यूटी सोसाइटी को आपके लिए चुना, और अल्लाह का शुक्र है कि आज आप जो है सिलेक्शन भी हासिल कर चुके हो, तो आपके पेरेंट्स जो है वो आपके सिलेक्शन को लेकर, आपके ड्यूटी सोसाइटी की स्टडी को लेकर क्या कहते हैं उसके बारे में? आपके हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को कितने आवर्स सेल्फ स्टडी करनी चाहिए 9th एंट्रेंस को लेकर? 3 to 4 hours। लास्ट मेरा आपसे सवाल है कि आपने जब एग्जाम रूम में एग्जाम पेपर को सॉल्व किया तो वो किस पैटर्न में सॉल्व किया? लास्ट में मैं आपसे एक सजेशन चाहूंगा कि जो बच्चे आगे 9th एंट्रेंस या 6th एंट्रेंस देने वाले हैं, अगर उनको आप कुछ हेल्प करना चाहो कि किस तरह से उनको 9th एंट्रेंस या 6th एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप उनको हमारे प्लेटफॉर्म पे थोड़ा हेल्प कर सकते। आखिर में मैं आपसे इजाजत चाहूंगा निशात रहमान, और लास्ट में मैं आपको और आपके पेरेंट्स को ड्यूटी सोसाइटी की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, और दुआ भी दूंगा कि इसी तरह से इंशाल्लाह जिस तरह से आपने 9th एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, इसी तरह से और जितने भी आप एंट्रेंस देने वाले हो सारे एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे। और फिलहाल मुझे और निशात रहमान को ड्यूटी न्यूज की तरफ से इजाजत है, आगे और स्टूडेंट के इंटरव्यू के साथ हम मौजूद।